लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। गोंगपा और भाजपा की गहमागहमी के बीच संपन्न हुआ बीजेपी के सदस्य हुए निर्वाचित। गोंगपा ने लगाया सदस्यों को अगवा करने का आरोप। खबर है परसवाड़ा से, जहां जनपद पंचायत परसवाड़ा अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर मतदान से ठीक पहले कांग्रेस बीजेपी के समर्थकों के बीच तनावपूर्ण स्थिति नजर आई। इस दौरान जनपद पंचायत परसवाड़ा के सामने खूब गहमागहमी का माहौल रहा, जहां दोनों ही पार्टियों के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। वहीं गुड़वाना पार्टी की कार्यकर्ताओं ने मंत्री रामकिशोर कांवरे के विरोध में नारे लगाते हुए मंत्री पर जनपद सदस्यों को अगवा करके दबाव डालकर निर्वाचन कराए जाने का भी आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार कांग्रेस से जहां धारा सिंह मर्सकोले जनपद अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे थे, वहीं बीजेपी से समल सिंह धुर्वे अध्यक्ष पद के लिए मैदान पर थे। जनपद सदस्यों द्वारा मतदान किए जाने के पश्चात बीजेपी से संबल सिंह धुर्वे को 12 मत प्राप्त हुए, वहीं कांग्रेस से धारा सिंह मर्सकोले को केवल 4 मत प्राप्त हुए। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। परसवाड़ा से R9 भारत के लिए वेदांक विशेन की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी भाई समल सिंह धुर्वे जी परसवाड़ा जनपद में फिर से अपना परचम भारतीय जनता पार्टी के ने लहराया है। हमारे जनपद के उपाध्यक्ष के रूप में कांतिराम गहंगडाले जी हमारे अधिकृत प्रत्याशी, जिन्होंने 5-11 से विजय, 11 भाजपा, 5 अन्य, और जनपद के अध्यक्ष के लिए 12 भाजपा और 4 अन्य, ऐसे मिला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा यहां पर बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के विकास को लेकर क्षेत्र की जनता और हमारे जनपद के सभी जनपद सदस्यों ने आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, जिसके कारण परसवाड़ा के ट्राइबल ब्लॉक का हम विकास करेंगे, सेवा करेंगे, जनपद के माध्यम से और नीचे तक के अच्छा काम करेंगे। मैं पूरे जनपद सदस्यों को बहुत बधाई देता हूं, जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष जो नवनिर्वाचित हुए हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और इस क्षेत्र के विकास, चूँकि मेरा विधानसभा क्षेत्र, हम सब लोग मिलकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे, अच्छा काम करेंगे, ऐसा हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या रणनीति थी कांग्रेस की और कहाँ चूक हो गई? रणनीति जो हमारी थी वो शुरुआत से सही थी जी। जिस समय में हमने दोनों कांग्रेस और सामाजिक मूवमेंट से जो अंतर के आए थे, सर्वप्रथम हमने पूरा प्लानिंग किया और वो प्लानिंग हमेशा निरंतर अपने इसमें रहा, और वही जो विपक्ष को पता ये चला कि इन लोग एकजुट हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग के पास सारे जितने बहुमत थे उतने सदस्यों का हमारे पास में आज भी लिखित उनके सिग्नेचर्स हैं। जितना बहुमत हमें अध्यक्ष बनाने के लिए चाहिए था वो मेरे पास में लेटर रखा हुआ है, सारे लोगों के सिग्नेचर्स हैं उसमें, जो उन्होंने अपना पत्र कहना चाहिए समर्थन दिया था, वो पत्र मेरे पास में है। ये सारा चीज़ क्लियर होने के बाद में जो हमारे बीच में जो विपक्ष हमारे सदस्यों के ऊपर में जो दबाव आया, दबाव समझ सकते हैं आप किस प्रकार से आया होगा, उन्हें भारी प्रलोभन किया गया, धमकाया, डराया, और हमारे 4-4 साथियों को अपने पक्ष में करके उनको अपने कब्जे में लिया जी। अपना नाम बताएं। मैं हरनाम सिंह मराजी, पूर्व जनपद सदस्य और वर्तमान में गुणवाना गठबंधन पार्टी से राष्ट्रीय प्रचार मंत्री। अच्छा, ये जो जनपद के सामने आप लोग आए हुए हैं, थोड़ा गहमागहमी का माहौल देखा गया जी, किस कारण से? ये गहमागहमी का माहौल ये है, चूंकि गुणवाना गठबंधन पार्टी से 6 जनपद सदस्य जीत कर आए थे जी, और जिसमें हमारे 4 लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है उनको किडनैप करके बाहर ले गए, और काफी जनता, ग्रामीण क्षेत्र की जनता जो है काफी नाराजगी व्यक्त की है, और पूरे क्षेत्र की जनता आई है, तो जिसमें से रमेश पंद्रे एक बागी जनपद सदस्य हुए, दूसरे में हमारे मोहबल उइके वो दागी बागी हुए, उसके बाद जाके अर्जुन
पे काम किया है, उनकी मिसेज वो भी बागी, उसके बाद एक नंदलाल मरावी करके सरेखा से, ये चार बागी जो है इनको जो है बीजेपी के लोगों ने उठाया। हम लोगों ने काफी कोशिश की, क्षेत्रीय की जनता ने काफी कोशिश की, फोन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं उठा रहा थी। इसलिए जनता आक्रोश में थी कि हमने आपको वोट दिया, हमने आपको जिताया, जब हम आपको फोन कर रहे हैं तो आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। इस वजह से जनता जो है फोन नहीं उठाने की वजह से यहाँ पर जनपद में इकट्ठा हुई। और मैं कहना चाहूंगा महाभारत में कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और करण अर्जुन, करण अर्जुन, करण जो है, करण को जो है एक गद्दार कहा जाता था और अर्जुन को जो है भगवान कहा जाता था, लेकिन अर्जुन गद्दार निकला और करण हम आज नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष होकर के हमारे जनपद की पूरी टीम और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में, हम परसवाड़ा जनपद को बहुत अच्छा जनपद बनाना चाहेंगे और यहाँ के विकास कार्यों की एक गाथा लिखना चाहेंगे, जिसमें हमारी पूरी जनपद सदस्य और पूरी जनपद उपाध्यक्ष और पूरी टीम और माननीय मंत्री जी और मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, जिसका हम अक्षरशः निर्वाह करना चाहेंगे और संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप सारे काम हम करेंगे। बस धन्यवाद। बहुत माननीय जीत का श्रेय हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी संगठन परसवाड़ा है, माननीय मंत्री जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व को देना चाहेंगे।